तो हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो मीशो एप्लीकेशन के ऊपर है। मीशो में प्रोडक्ट साइज प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि आपको कोई और साइज चाहना रहता है और कोई और साइज का प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से आप किस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिक्स करेंगे, आज आप इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने मीशो एप्लीकेशन पर। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी एक प्रोडक्ट को लूँगा जो कि जिस पर साइज मांगता हूँ, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ पर आएगा। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे सर्वाइव करके। नीचे आने के बाद देखिए, हम इस टी शर्ट को ही ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ से इस टी शर्ट को ले लिया। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ जब ऑर्डर हम करते हैं तो यहाँ जस्ट नीचे लिखा रहता है सेलेक्ट साइज। तो अब मेरे को यहाँ एम साइज लगता है, तो मैं एम साइज पर क्लिक करूँगा, लेकिन एम साइज तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और ऑर्डर भी कन्फर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी एस साइज, एल साइज, एक्सल साइज आ जाता है। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको यहाँ साइज सेलेक्ट करना है, उसके बाद बाय नाउ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार और साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको एम पर ही सिलेक्ट करना है जो भी आपका साइज हो। उसके बाद आपको जो है बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, यहाँ पेमेंट वाला मोड आ चुका है। तो अब यहाँ पर आप जैसा भी उन्हें पेमेंट करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहें तो कैश ऑन, या ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर लेना है और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। प्लेस ऑर्डर जैसे ही क्लिक करते हो आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा जो साइज आपने सेलेक्ट किया है। लेकिन अब रुको, एक सेटिंग आपको और यहाँ करना है। ऑर्डर होने के बाद आपको ऑर्डर कर देना है। मेरे को तो मंगाना नहीं है, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपको वहाँ से ऑर्डर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद मीशो के जब से सबसे जो है ऊपर वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने देखें अकाउंट वाला सेक्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ हेल्प वाला ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो क्या ब्राउज ऑल हेल्प टॉपिक्स पर, यहाँ कोई सा भी एक रीजन आप ले सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ रीजन भी इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ आप कॉल मी बैक पर ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। यहाँ आपका नंबर ओपन हो जाता है, लैंग्वेज ओपन हो जाती है, तो आप जिस लैंग्वेज में उनसे बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कॉल मी बैक करना है, मतलब मीशो कस्टमर केयर से बात करना है, और उससे ये नहीं करना कि कहना कि हमने ऑर्डर कर दिया है। उससे आपको सही सही से बात करना है कि हमने इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया है, इस साइज को सेलेक्ट कर दी, तो आपका ऑर्डर जो है ऊपर तक शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके डिलीवर होने तक। तो आपको मीशो में यदि शॉपिंग करना है, सही साइज की शॉपिंग करना है, तो आपको ये ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा, वरना आपके साथ यही स्कैम होता रहेगा। आप कुछ और सेलेक्ट करोगे और साइज कुछ और सेलेक्ट ही आएगा। तो मैंने आज फुल डिटेल में आपको बता दिया कि आप इस प्रॉब्लम को फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर अपना कन्फर्म करना है, जो भी साइज आपको लगता है उसको सेलेक्ट करके, उसके बाद जब आपका ऑर्डर कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद आपको मीशो कस्टमर केयर में कॉल पर बात करना है और उनसे इस बात को बोलना है कि हमने इस ऑर्डर को इस साइज पर जो है बुक किया है, तो इसे 2 से 3 दिन में आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो बात है उनके माइंड में रहेगी, उनको याद रहेगा और आपका प्रोडक्ट सही ढंग से आपको डिलीवर होगा। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताने एवं समझाना चाहता था आपको समझ पर आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को या थोड़ा सा भी मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कॉन्टेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।